तिहुतर तहसील के नगर परिषद चाकघाट अपने कारनामों के लिए आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। अपनी हरकतें यहां बाज नहीं आती, तो वहीं उच्च अधिकारियों द्वारा भी नगर परिषद चाकघाट में अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण से नगर परिषद के सीएमओ द्वारा मनमानी की जाती है और स्थानीय लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। यह हम आपको बता दें, लंबे समय से वर्तमान पदस्थ सीएमओ पर नौकरी के बदले 1 लाख रुपए की घूस मांगने का एक ऑडियो भी वायरल हो चुका था, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर माहौल उड़ा। बावजूद इसके उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जगह जगह अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई देता है। नगर परिषद चाकघाट में व्यवस्थाएं बनाने के लिए सारी कोशिश नाकाम दिखाई देती हैं, तो वहीं अब तक कोई भी कार्यवाही का सिलसिला तो अधिकारी पर दिखाई नहीं दिया। वार्ड नंबर 2 के पार्षद पति गुलाम रसूल। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं नगर की व्यवस्था के बारे में अपने वार्ड के? वार्ड की व्यवस्था में यही है, नाली और पानी, सड़क ठीक ढंग से बनी जाए। सीमो साहब से मैंने निवेदन भी किया, इसका जो है लेटर पैड में लिख के दिया, जनता की समस्याओं को लेकर पहुँचाया नगर पालिका, हमने नगर परिषद चाकघाट में। इसका सुनवाई कोई आज तक न कोई कर्मचारी आता मोहल्ले में, वार्ड नंबर 2 में न कोई कर्मचारी नहीं आता, न कोई सफाई वाला आता। सही ढंग से सफाई नहीं हो पाती, इसीलिए नाली जो है बजी रहती है। वो मस्जिद के सामने पूरा गुठवा बरोबर जो है पानी भरा रहता है। हमारे जनता यहाँ वार्ड नंबर 2 के निवासी लोग परेशान बहुत हैं इस नगर परिषद से। समस्या ये 20-25 दिन से जो है पानी की समस्या चल रहा है, जिसमें पानी नहीं मिल पाता हम लोगों को। जब से ये रात के शोर का ड्यूटी लगा दिया गया, सीमो प्रतिदिन आते हैं नगर पंचायत के, नजारात रहते हैं। 3 बार लगातार गए, सीमो साहब इधर तो नहीं मिले, 2-3 रोज बाद आते हैं नगर परिषद चाकघाट में। नगर पंचायत व्यवस्था सीमो के हाथ में दी गई है, तो आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? कार्य संतुष्ट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, खुल के बोलिए। बोल रहे हैं ना, यहाँ के कर्मचारी कोई सुनने वाला नहीं है, सीमो से लेके पदाधिकारी तक जितने भी कर्मचारी अधिकारी बैठे उनको तो सुनना चाहिए बात को लेके। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अध्यक्ष और सीमो के कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं? पार्षद होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संतुष्ट नहीं है, नहीं है। एक पार्षद की हैसियत से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हमारा गुहार जनता है, जनता अगर मेरी साथ देगी मैं तो हमारा अनशन बैठ जाऊंगा नगर पंचायत में, नगर परिषद में अनशन, हमारा अनशन बैठ जाऊंगा। सिर्फ जनता हमारा साथ दे, अगर किसी को कह देते हैं सब घुस जाते हैं घर, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी बैठे हुए हैं जी, इनसे अकार साहब संतुष्ट नहीं है? नहीं है। तो कलेक्टर महोदय, रीवा कलेक्टर महोदय साहब, क्या आश्वासन लगाना चाहिए, क्या गुहार लगाना चाहिए? ये गुहार लगाएंगे इसको नाली जो बैठे हैं सीमो सर, वो सही कार्य कर रहे हैं कि इनको हटा के दूसरा कार्य रखा जाए? सीमो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनको हटाया जाए, दूसरे को बैठाया जाए। अगर दूसरे को हटा दोगे ठीक है, अगर दूसरे को हटा दोगे काम वही होना है, नहीं होना है कुछ यह नगर परिषद में जब तक ये अध्यक्ष रहेगा। अच्छा, हाँ, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये नगर पंचायत जो भाजपा के कार्य में कुछ काम नहीं होगा? भाजपा के अध्यक्ष हैं? हाँ, भाजपा कोई कार्य नहीं, मीनाक्षी केसरवानी कोई कार्य नहीं। क्या नाम है आपका? हसमत अली। कौन से वार्ड के निवासी हैं? वार्ड क्रमांक 2। पता पूरा बताइए। मस्जिद गली चाकघर लगता है? हाँ, चाकघर। क्या समस्या आ रही है आपके वार्ड में? पानी की गंभीर समस्या, नाली की समस्या, रोड की समस्या, तीन समस्या सबसे बड़ी है। और क्या है समस्या बताइए? अब पानी भर जाता है, लोग आने जाने में समस्या है, तो रोड वाली समस्या बता ही दी है। पानी आ नहीं रहा है बिल्कुल, पानी की समस्या है। पानी कितने दिन से नहीं आ रहा? पानी कम से कम आज 20 दिन से नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। इस विषय में शिकायत वगैरह करते हैं? नगर पंचायत में शिकायत किया गया, वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद द्वारा भी शिकायत किया गया, हमने भोपाल भी शिकायत दर्ज कराई है, तो उन्होंने भी कहा है कि हम शिकायत दर्ज कर ले रहे हैं, ठीक है अभी कल बताते हैं आपका ये काम होगा। और क्या समस्या है आपके वार्ड में? नाली, पानी और रोड। समस्याओं का समाधान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किसी भी प्रकार से नहीं किया गया, न कोई कर्मचारी आया देखने क्या समस्या है, न कोई पूछने आ रहा है क्या समस्या है। नगर पंचायत के कार्य कैसे सही रहते हैं कि असंतुष्ट हैं इससे? हम असंतुष्ट हैं नगर पंचायत के कार्य से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारिस। कहाँ, क्या करते हैं आप यहाँ?
यहाँ पे मैं इमामत करता हूँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, मदरसा है, मस्जिद है, सामने आपके देख रहा है। क्या समस्या आपके यहाँ वार्ड में चल रही है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ मस्जिद है और नाली बहुत ही छोटी है और इसी के सबब बारिश में पानी भर जाता है, घुटने तक हो जाता है। और जुमा के दिन ख़ास तौर पे जैसे लोग आते हैं नमाज के लिए, उनको बहुत ही दिक्कत होती है। वहाँ सामने आते हैं जब रोड के अंदर गली में घुसते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी गंदगियाँ हैं, नाला है, वहाँ पे इतनी गंदगी है कि लोग आ जा भी नहीं सकते। नगर पंचायत से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे? नगर पंचायत से मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि ये काम जो है जल्द से जल्द हो जाए ताकि मस्जिद है यहाँ पे आने जाने के लोगों को परेशानी ना हो।